जब सीए पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी, आज तो उससे भी ज़्यादा हो रही है। सर ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज़ की नागरिकता मिली है हमें। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी, भारतीय केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का बहुत शुक्रिया। ये सर्टिफिकेट मिल गया तो ऐसा है कि हम बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे भी इससे पढ़ पाएंगे और हम भी जैसे हर चीज़ में खुश रहेंगे। हम रह रहे हैं लास्ट क्या कहते हैं 12-13 साल से और हम दिल्ली मजनू के टीले रह रहे हैं जी। कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप, तो सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट भी मिल गया है, कितना परिवर्तन जीवन। सर ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज़ की नागरिकता मिल गई हमें। सर कहाँ से आए थे आप? पाकिस्तान से जी। कितनी दिक्कतें थी यहाँ पर, बिना सर्टिफिकेट के सिटीजनशिप नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को बोला भी जाता होगा कि बाहरी हैं, तरीके की दिक्कतें। इंसान को राइट्स नहीं होते तो फिर किस काम का, जैसे राइट्स मिलेंगे लाइक हम आगे जाके मतलब एजुकेशन लेवल में भी आगे जा सकते हैं, कुछ नौकरी वोकरी कुछ भी मिल सकता, हमें मेजोरिटी हो सकती है हमारी, ऐसे बहुत मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है। इंतजार कितने वर्षों से था, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? शुक्रिया ही करेंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, भारतीय केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का बहुत शुक्रिया। लगता है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन इसके बाद आने वाले हैं जीवन में। बिल्कुल आएगा जी, इससे तो मतलब मैं कहता रहा हूँ कि दोबारा जन्म हो गया हमारा, इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं इससे। तो 2014 में हम यहाँ पे आए थे दिल्ली में, पहले गुजरात गए थे, फिर गुजरात से 4 साल गुजरात में रहे, फिर यहाँ पे दिल्ली में आए। तो कितनी दिक्कतें थी बिना सर्टिफिकेट के, बिना सिटीजनशिप के, और आज कितना परिवर्तन जीवन में महसूस कर रहे हैं? आज तो बहुत खुश हैं कि हमारे को नागरिकता मिल गई है, और मैं जैसे वहाँ से आया तो मैं मेरे यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं था तो मैं पढ़ भी नहीं पाया, तो अभी तो हाल फिलहाल छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो और अभी सर्टिफिकेट मिल गया तो ऐसा है कि हम बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे भी इससे पढ़ पाएंगे और हम भी जैसे हर चीज़ में खुश रहेंगे। और पहले मैं जैसे पढ़ना चाहता था तो मैं पढ़ नहीं पाया, सर्टिफिकेट ऐसे कुछ था नहीं तो यहाँ पे कहीं भी नहीं पढ़ पाया, और आज इतनी खुशी मिल रही है कि बस मत पूछो। आज मैं आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हम आगे पढ़ लिख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हम नागरिकता मिल गई है, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितने समय से इंडिया में रह रहे हैं? हम 2014 में आए थे। 2014? हाँ। जब खबर सुनी थी तो खुशी हुई थी? हाँ बहुत खुशी हुई थी, हाँ जब सीए पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी, आज तो उससे भी ज़्यादा हो रही है। कितना परिवर्तन आया है, कितनी दिक्कतें थी और अब कितनी दिक्कतें सुलझी? वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी, पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियाँ वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहाँ, मुसलमानों का वो करके। और हम इंडिया में आए तो बहुत अच्छा हमें लगता है, हम पढ़ लिख रहे हैं, मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ और मैं ट्यूशन भी जाती हूँ, अपने आप से मर्जी से मतलब बाहर भी निकल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।